क्यामा ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे इफ्रा को राशिद पर शक होना शुरू हो जाता है कि उसका चक्कर अभी तक किसी लड़की के साथ चल रहा है। लेकिन इफ्रा को इस बात का इल्म नहीं कि राशिद ने खुद परी जी को इस बात से मना किया था। उसने परी जी से यही कहा था कि अब इफ्रा उसकी बीवी है, अब वो इसके अलावा अपनी जिंदगी में किसी को भी जगह नहीं दे सकता। लेकिन इसके बावजूद परी जी राशिद का पीछा नहीं छोड़ रही, वो उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहती हैं। और इधर अगर बात करें अरूज की, जो सबको बेवकूफ बना रही है, लेकिन राशिद की वालदा को इस बात का इल्म नहीं, वो यही समझती है कि अरूज का ताल्लुक एक अमीर घराने से है और वो जवाद को बहुत खुश रखेगी। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि उसकी नज़र तो इस घर की जायदाद पर है। और तो अरूज को इफ्रा भी एक आंख भी नहीं पाती, वो हर वक्त इफ्रा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है ताकि वो जवाद की वालदा के सामने अपना मुकाम बढ़ा सके। लेकिन इफ्रा अरूज की चालों से अच्छी तरह वाकिफ है, वो हर कोशिश करके अरूज की चाल को नाकाम बना देती है। यही बात अरूज से हजम नहीं हो रही। ड्रामा सिर्फ क्यामत की आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।